अभी विवाह संपन्न हुए 151 सभी बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विशेषकर बेटियों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई और ठीक ढंग से उनका क्रियान्वयन भी हो रहा है। पत्रकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम गंभीरतापूर्वक प्रोटेक्शन एक्ट पर विचार करें। पन्ना जिला इकाई ने मुख्यमंत्री को दिया स्मरण पत्र, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित 21 सूत्रीय मांगों पर विचार करने की मांग। पन्ना जिला अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में दिया ज्ञापन, मुख्यमंत्री बोले शीघ्र होगा पत्रकार सुरक्षा कानून पर विचार। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 मई को पन्ना जिले के एक दिवसीय दौरा कार्यक्रम में पन्ना पहुंचे। पूर्व नियोजित मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रांत अध्यक्ष सलभ भदौरिया के निर्देशानुसार पन्ना जिला इकाई के अध्यक्ष धनंजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में पत्रकार सुरक्षा कानून सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को स्मरण पत्र सौंपा गया। बता दें कि 1 मई मजदूर दिवस को भोपाल में आयोजित जंगी प्रदर्शन के दौरान उपरोक्त मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष संगठन द्वारा रखी गई थी। इन्हीं मांगों को याद कराने के लिए जिला इकाई पन्ना द्वारा यह स्मरण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा गया है। ज्ञापन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लाने के लिए वह प्रतिबद्ध है तथा शीघ्र ही इस पर विचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 1 मई को प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4000 पत्रकारों ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर प्रांत अध्यक्ष सलभ भदौरिया के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया था, जिसमें उपरोक्त मांगों को लेकर संघ का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला था। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता पन्ना से रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पर। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।